आम खबर आपको दें, जवान पार्क लाहौर के अतराफ हालात बदस्तूर कशीदा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने जवान पार्क से 35 कारकुनों को गिरफ्तार किया, जबकि शेलिंग का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। पुलिस और कारकुनों के दरमियान शेलिंग में पुलिस समेत 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। अपडेट करें आपको इसी हवाले से, इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी, जमान पार्क के अतराफ में हालात कशीदा। फैसल दुरानी हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ लाहौर से। जी फैसल, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त पुलिस जो है वो इमरान खान के घर का गेट तोड़ के अंदर दाखिल हो गई है और वहां पर कुछ खवातीन मौजूद थी, उनको शदीद ज़ोरकोब किया गया है और शेलिंग जो है वो इस हद तक तेजी से जारी है कि लोग जो है वो शेलिंग की वजह से बेहोश हो रहे हैं और तमाम कारकुन जो सामने आए थे जिनके पास लाठियां भी थी, उनकी लाठियां जो है वो छीन ली गई हैं और कारकुनों को शदीद जो है पुलिस को शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस वक्त इंतहाई कशीदा हालात हैं जमान पार्क में, क्योंकि उनके घर का गेट तोड़ के उनके घर में पुलिस दाखिल हो चुकी है। इसलिए हो सकता है कि अगर सामने से मज़ामत कारकुनों की कम पड़ी तो वो किसी वक्त भी इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि जो मौजूदा हालात में नजर आ रहा है उसमें लग ये रहा है कि जिस शिद्दत से पुलिस ने हमला किया है और जिस शिद्दत से जो है पुलिस को कमक फराहम की गई है, इस वक्त 4 से 5 हजार पुलिस एहलकार जो है वो इमरान खान के घर को चारों तरफ से घेरे हुए और बदतरीन शेलिंग और बदतरीन तशद्दुद जो है वो देखा जा रहा है।